हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ वशांत सिंह और आप लोग का वेलकम मेरे चैनल पर। वीडियो आगे बढ़ने से पहले, आगे देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और बेल आइकन हो सके दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं लाजवंती झार। इसमें गाना गाया है महेश काफले फीचरिंग अश्मिता अधिकारी और आंचल शर्मा है, और इट्स अ न्यू नेपाली सॉन्ग 2020, और ये हम देखने जा रहे हैं G21 डिजिटल। अगर मुझे ये लैंग्वेज में समझ में नहीं आया, क्योंकि लाजवंती झार का मीनिंग मैं नहीं जानता, इट्स अ टाइटल सॉन्ग, तो अगर मुझे दिक्कत होती तो आप प्लीज वो गॉड से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि यार हम लोग काफी टाइम, मतलब ऐसा होता है वीडियो को स्टडीज करते हैं, हमें नहीं पता कि क्या लैंग्वेज है, क्या चीज़ होती है। हम अज्यूम करते हैं, हम समझते हैं, हमें पसंद आता है म्यूजिक, तो हम उस हिसाब से वीडियो देखते हैं। तो अब धीरे धीरे इंसानों को समझ में आ जाता है। जैसे मुझे काफ़ी टाइम से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सी चीज़ें जो वर्ड्स नेपाली के जो समझ में आने लगे हैं, मुझे ईजी होने लगा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत रॉकेट साइंस, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकता ढंग से, क्योंकि बहुत से टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता है। तो या अगर मुझे इस वीडियो में भी समझ में नहीं आया तो प्लीज हेल्प कर लेना। और मैं जानता हूँ दो दो वीडियोस में, प्रीवियस वाले वीडियोस में मेरे कजन्स रिलेटिव्स थे, बैठे हुए थे वीडियो में, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो बीच में आके मैं इंट्रोडक्शन दे चुका था और दूसरी वीडियो में उनको बिठाया था, तो मेरे को भी लगा यार अपने यहाँ बैठो, अपना चैनल है, नाम वशांत सिंह है, बैठो और मैं आऊंगा कंटिन्यू। बिकॉज बीच में मैं एक्चुअली दो, आई थिंक 2 महीने से नहीं आया था इस वीडियो में, तो पता नहीं मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम दे दिया। या हम जिनियन रहते हैं, जिनियन की माँ बहने कर देते हैं और बस कुछ नहीं है। तो अब हम देखने जा रहे हैं लाजवंती। मैं अपना मूड ठीक करूंगा, बिकॉज यस नेपाली सॉन्ग्स हो या कोई भी सॉन्ग हो, बहुत अच्छे होते हैं सॉन्ग। सॉन्ग से आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, तो हम वो फील करेंगे। और मुझे अगर लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। Powered by ING Group, transforming lives through education. अच्छा, लड़की के लिए रिश्ता आया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि लड़की का ऑलरेडी रिलेशन किसी और के साथ होगा। मुआनी हेर्दिन त केटो ल हेर्नुस बाबु। अच्छा, इज योर इज योर ब्रदर गजब रहेछ त केटो ल भाई तनी हेर पापा। आचल शर्मा का शुरुआत हो गया। ओए कादला बजार जान ल। अ बजार सजा जाने हैन, बिहे को कुरा छिन लाइसक्यो, खुरको घर बस। हे ओए ल ल ल आई लव दिस साउन्ड। हे ओए ऐसा वीडियो अच्छा लगता है जब स्टोरी पता चले, स्टार्टिंग से पता चले कि क्या कहानी है, मुझे बहुत इजी हो जाएगा। अभी बी उनला छ मेरो सुनी सोला नि हैन सुने मेरो पनि घरमा कुरा चलिरा छ, यही वर्ष गर्छ होला। बिहे गर्दा त त्यो दाँतको त निकाल्छस होला नि। बिहे गर्दा त निकालिहाल्छु नि। ये वीडियो जो म्यूजिक है, ये स्टार्टिंग वाला जो आया था, अब G21 डिजिटल में ही था, सस्ते में खड़का और उनका उनके हस्बैंड का, तो निश्चल बसनेत का सॉन्ग क्या अपना ऑब्वियसली डिफिकल्ट ही था थोड़ा बहुत, वो नाच फेरी रही स्टार्टिंग, मुझे वही लग रही है ना, आपको भी लगा ना वैसे ही स्टार्टिंग वाला। तो ठीक है, हम अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इस वीडियो को। जावती झर जस्ते लजाओ छो खै कसरी यो सियो तो सजाओ छो अल्ली ओरा आओ अल्ली ओरा ओ माया बस मेरे छो जुगै जाने पिरती लमला बैना रुमाल दो अल्ली ओरा ओ माया बस मेरे छो जुगै जाने पिरती लमला बैना रुमाल दो जुगै जाने पिरती लमला बैना रुमाल दो। आगो मा घ्यो हाले झैं भइहाल्छु तिम्रो छेउमा पगलिँदै गइहाल्छु खै क
कसरी आऊ खै कसरी आऊ माया भन तिम्रो छु लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरी देऊ खै कसरी आऊ माया भन तिम्रो छु लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरी देऊ लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरी देऊ यो तेरो लागि अनि यो चाहिँ कहिले दिने विचार गरेका थिइस् बिहे पछि होइन बिहेको दिन अनि त्यो बिहेको दिन पनि नि यो चाहिँ निकाल्न मिल्दैन ल चलो गाना तो हमने देख लिया अभी अब गाने का मैं बात करना चाहूंगा कि लाजबंदी जहार जहार मुझे नहीं पता लाजबंदी या तो लाजवंती का फूल होता है कि किसका फूल होता है आई डोंट नो बट लाजवंती मतलब शर्माना चलो ठीक है ये भी मेरे को नहीं पता आप वो बता दोगे वीडियो में देखो मैं बताना चाहूँगा इस लड़की ने एक वर्ड बोला था आंचल शर्मा ने बहुत स्वीट वर्ड बोला था कि मन की कुरा को तुम समझ लो वाला वर्ड था तो जो कि बहुत अच्छा ये सही बात नहीं ये बोल रहे थे जब दिल के अंदर की जो बातें तुम समझ लो वही बहुत अच्छा होता है बट मैं इस वीडियो में अभी ये समझ में नहीं आया कि उसकी फैमिली उन आंचल शर्मा के लिए मतलब उस लड़की के लिए द फीमेल कैरेक्टर उनके लिए लड़का देख रहे थे तो लड़का देख लिया क्योंकि वो उनके आई वो उस पड़ोसी वाले लड़के के साथ का तो मुझे कोई कनेक्शन दिख नहीं रहता कि उनकी फैमिली को पसंद है या नहीं अभी लास्ट में ये भाग गए क्या हुआ वो मुझे पता नहीं चला अगर ये टू बी कंटिन्यूड वाला वीडियो तो भैया बता दो आप मुझे अब इस स्टोरी का मुझे एक चीज़ था कि इसमें गाने का बात करता हूँ कि द वोकल ऑफ लाइक इस एल्बम का जो वोकल है जो साउंड है जिनका नाम महेश काफले एंड अश्मिता अधिकारी तो अब इनकी आवाज़ बहुत सही थी और ये मुझे पूरा थे मैं वो लाइन नाम भूल गया
नाच्य फेरी री सॉन्ग को पूरा इसने मुझे याद दिलाया। बस फर्क ये हो गया कि इसमें स्वस्तिमा खड़का एंड निश्चल वैसे दोनों नहीं है, इसकी जगह ये दोनों आ गए हैं। और यहाँ पे अभी अभी जैसे लड़का लड़की को पटा रहा था, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के लिए वही चीज रिवर्ट वन बोलते ना, गिव एंड टेक वाला टाइप का वीडियो था ये। बस मुझे एंडिंग में बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये भाग चुके हैं क्या या क्या है, मतलब ये बैठे हुए हैं अब आगे क्या है पता नहीं। आई लव यू मतलब कि शादी के पहले बात बोलने वाला था, तो कहता नहीं शादी के टाइम बोलने वाला था, है ना। तो दैट्स, और दूसरा चीज मुझे समझ में नहीं आया। बट या द सॉन्ग इज अमेजिंग। इस अब वीडियो पिक्चराइजेशन के साथ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मजा आता है यार, ऐसे देखो अच्छे से सुनो, क्यूटनेस फील आता है, क्यूट सी कैरेक्टर, क्यूट सा बंदा, क्यूट वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस आई मीन ऑफ द सिंगर्स। और उसके बाद जो इनमें कैरेक्टर्स थे आंचल शर्मा एंड असीम शाह था, असीम शाह को मैंने देखा होगा शायद पर मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। तो ये थर्ड सिंगल ऑफ महेश काफले, अच्छा तीसरा गाना है ये जी। आप लोगों को कैसा लगा तो बता देना, ठीक है। हुआ टाइम तो मैं डेफिनेटली जल्दी जल्दी आऊँगा, और मुझे प्लीज़ अच्छे वीडियो सजेस्ट करो, बहुत पीसफुल वीडियो जिसको आप भी देखते हो, आपके साथ और भी आपके देश के लोग, आप नेपालीज, एवरीबडी हु रियली लव दैट सॉन्ग से सजेस्ट कीजिए। मेजोरिटी ज्यादा होनी चाहिए सॉन्ग की, और कमेंट सेक्शन बताइए आप देख रहे हो करके, क्योंकि मुझे पूरा डेफिनेशन आप सब देख रहे हैं बट व्यूज में सरप्राइज हो जाता हूँ कि व्यूज मिल रहे हैं मेरे को वैसे, और लाइक्स मिल रहे हैं। अगर क्या बोलते हैं 100 लाइक्स है तो उसमें मेरे को व्यू दिख रहे हैं 50 के या 40 के, में समझ में नहीं आते इतना, ऐसे से क्या चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट नहीं होता होगा कुछ भी, पर मेरे को कुछ तो डाउट है तो उसी के लिए बोल रहा हूँ। आई लव यू, होप यू पीपल लव मी, नमस्ते, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।